शिवावतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन धरा गोरखपुर में परम पूज ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पावन स्मृति में राष्ट्रीय संत मुरारी बाबू द्वारा रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चंपा देवी पार्क तारामंडल गोरखपुर में होगा, जिसके संबंध में आयोजित जानकारी देते हुए गोरखनाथ मंदिर के प्रभारी द्वारिका तिवारी ने बताया कि बापू द्वारा रामकथा प्रथम बार गोरखपुर में हो रही है। इसका आयोजन गोरखनाथ मंदिर एवं रामकथा प्रेम यज्ञ समिति गोरखपुर के तत्वाधान में किया जा रहा है। रामकथा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ द्वारा 5 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके पूर्व गोरखनाथ मंदिर में रामायण पोथी पूजनोपरांत कथा स्थल पर पहुंचेगी। 5 अक्टूबर को 4:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी तथा 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक कथा प्रातः 9:30 से प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि श्री राम कथा में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, योग गुरु बाबा रामदेव के भी पधारने का कार्यक्रम है। कथा श्रवण के लिए सैकड़ों की संख्या में अप्रवासी भारतीय एवं अन्य प्रदेशों से लगभग 5,000 श्रद्धालुओं के आने का कार्यक्रम है। कथा के दौरान संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत 9 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में गुजरात के सुप्रसिद्ध गायक कीर्तिदान गढ़वी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 10 अक्टूबर को कथा स्थल पर कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें प्रख्यात कवि सुरेंद्र शर्मा, नीलोत्पल मृणाल, दिनेश बावरा, महक भारती, इकबाल अशहर उपस्थित रहेंगे। महायोगी गोरखनाथ जी के पावन धरती पर पूज्य मुरारी बापू का यह कथा हो रहा है, बड़ा ही सौभाग्य, यहाँ के जनता के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये दुर्लभ महापुरुष हैं, ये कथा का आयोजक जो भी कर रहे हैं सब लोग बधाई के पात्र हैं। ये विश्व स्तर के संत कथावाचक हैं। महाराज जी का, महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का ये कल्पना थी कि पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम किए जाएं, लेकिन संजोग नहीं बना, थोड़ा विलम्ब से हो रहा है, लेकिन ये उनके स्मृति में ही महंत दिव्यानाथ जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज के पूर्ण स्मृति में भी ये कार्यक्रम आयोजित है। महाराज ये पहले चाहते थे कि उसी समय किए जाएँ, लेकिन मुरारी बापू जी के कार्यक्रम व्यस्त कार्यक्रम था, इस नाते कार्यक्रम विलम्ब से हो रहा है। इसमें सतुआ बाबा, अन्य आयोजक जो भी हैं, बहुत ही गोरखपुर के लिए पूरे आत्मा की जो कथा आयोजित किए हैं। ये कथा 5 तारीख से शुरू होगा, 13 अक्टूबर तक ये चलेगा। हमारी विशेष कामना है कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित हों, आप सभी लोगों का सहयोग हो। आप देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम बड़ी तेज़ी से कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। ये पंडाल में लगभग 50,000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर में हमारे यहाँ गोरखनाथ मंदिर में भी हम भी व्यवस्था किए हुए हैं कि जो भी वहाँ 400, 500, 1000 जो भी आएंगे उनके लिए मैं धर्मशाला में व्यवस्था किया हूँ, वे लोग भी वहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, भंडारा की व्यवस्था है, दोनों समय भंडारा चलेगा, वहाँ भी व्यवस्था की गई। अन्य जगहों पर भी, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रांगण हो, अतिथिगृह हो, और भी सब जगह व्यवस्था कर दी गई, किसी भी बाहरी लोगों को या स्थानीय लोगों को असुविधा न हो, बस की व्यवस्था की गई है, साधन की व्यवस्था की गई है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है गोरखपुर के लिए, सौभाग्य की बात है। मुरारी बापू का ये कथा हो रहा है। मुरारी जो अभी तक महाराज जी से बात हुई है, उस दिन आए थे महाराज जी ने कहा मुरारी बापू वहाँ मंदिर पर दर्शन के लिए जाएंगे, वहाँ महाराज भी रहेंगे, वहाँ से पोथी यहाँ आएगी, संभवतः महाराज जी भी साथ में रहेंगे, मुरारी बापू के साथ में आएंगे, ये यहाँ
उपस्थित रहेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे। अभी तक कार्यक्रम यही है, आगे कोई कार्यक्रम ऐसा आ जाए अलग चीज़ है, लेकिन कार्यक्रम में बना है कि मुरारी बापू वहाँ मंदिर पर जाएंगे, वहाँ भगवान गोरखनाथ जी का दर्शन पूजन करेंगे, वहाँ से महाराज जी के साथ में महाराज जी वहाँ स्वागत करेंगे और वहाँ से दर्शन करते हुए पोथी लेकर के यहाँ गोरख प्रांगण में आएंगे। देखिए हमारे यहाँ कम से कम 400-500 लोग तो आ चुके, बाहर के लोग, गुजरात के कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, सुबेरी से हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं, आ भी रहे हैं लोग। तो अब देखिए कितना हो सकता, मौसम अगर सही रहा तो भारी भीड़ होगी, काफ़ी लोग आए हैं। हाँ, तो अब मौसम पर निर्भर करता है, मौसम में थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हो जाता है, लेकिन उम्मीद है कि मौसम भी साथ देगा। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में यह कथा हो रही है और इसमें पूर्ण प्रसन्नता और आशीर्वाद हमारे परम पूज्य गोरखपीठाधीश्वर जी महाराज जी का है। उन्हीं की ही सद प्रेरणा से यह बापू का आगमन गोरखपुर में प्रथम बार हो रहा है। आपको ज्ञात होगा कि मगहर में 10 साल पहले कथा हुई थी, गोरखपुर में प्रथम बार यह कथा है। 30 साल पहले यह कथा के लिए निवेदन किया गया था, आज वह अवसर आया और सौभाग्य की बात है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर जहाँ गोरखपुर में नवरात्रि का पावन उत्सव पूरे विश्व में प्रख्यात है, उसी में ही बापू की कथा गोरखपुर में हो रही है, जिसका लाइव प्रसारण 200 देशों में हो किया जाएगा। और जो भी आए हुए अतिथि हैं उनके लिए रहने के लिए गोरखनाथ मंदिर में, होटलों में, जो भी प्रशासनिक भवनों में भी पहले से सब तैयारियों के साथ उनको ठहरने के लिए, उनके उचित स्थान के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। हमारे किशन जालान जी हैं, जालान परिवार को यह सेवा मिली है, वो पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। अखिलेश फेमका जी हैं, चौरसिया जी, सभी पूरे समाज के लोग लगे हैं, जो आपको प्रेस न्यूज में बताया गया है, आने जाने रहने की उनको कथा में आने के लिए एक एक उत्सव जैसा ये माहौल रहेगा। किसी को कोई अवस्था नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा और खूब आनंद से 9 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जैसे हमारे द्वारका तिवारी जी ने बताया है।